रिशु आप क्या कर रहे हो? उसके बाद क्या करना है? फिर घूमने जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं? हाँ। सो नए दिन के साथ नई शुरुआत और आज हमारा नया प्लान बना है। फिलहाल अभी हम फ्रेश हो रहे हैं, रिशु और मैं। हम जाने वाले हैं देरा सिटी सेंटर, जहाँ के हम कई बार जा चुके हैं, मैं और तनु और रिशु भी। लास्ट ईयर हम गए थे घूमी घूमी बोट में गए थे, छोटे बोट में। हाँ। वहाँ पर जो एक ड्राम में आप इधर से उधर जा सकते हो, तो वहाँ पर भी हम जाने वाले हैं। उसके अलावा शायद हमारा प्लान है गोल्ड सूख जाने का, लेट्स सी। बाहर बहुत ज़्यादा रिशु वेट देखो, फिलहाल हमारा जो प्लान है वो गोल्ड सूप जाने का भी है, मंदिर जाने का भी है, और उसके अलावा हम 1 to 10 भी जाने वाले हैं, थोड़ा बहुत सामान लाना है। प्लान छोटे मोटे बहुत हैं, बट देरा हम जा रहे हैं सबसे पहले, और उसके बाद लेट्स सी कि हम कहाँ कहाँ पर जाते हैं। गर्मी बहुत है इसलिए प्लान फिक्स नहीं है, वहाँ जाकर पता चलेगा कि कहाँ से शुरुआत करनी है। तो फिलहाल तो रिशु जो है ब्रश कर रही है और हम तैयार हो रहे हैं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तैयार हो चुके हैं हम तीनों के तीनों। थोड़ी देर पहले बादल लगे हुए थे और दोबारा से गर्मी हो चुकी है, थोड़े से बादल लगे थे, हमने सोचा कि बादल लग जाएंगे, थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा यहाँ से मेट्रो तक जाने के लिए, बट तू फिर से आ गई। तो फिलहाल थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा यहाँ से मेट्रो तक जाने के लिए। 42-45 डिग्री हो रहा है अभी और सुबह के बज चुके हैं 9:30 हो रहे हैं, और हम टाइम पे जा रहे हैं क्योंकि हम टाइम पे शाम को आ सकते हैं, जिससे कि मैं आराम कर सकता हूँ क्योंकि कल मेरी ड्यूटी है। तो जो है आइसक्रीम खा रही है, इतनी गर्मी बाहर हो रही है। रिशु आर यू एक्साइटेड? Let's go. Okay. तो चलिए मिलते हैं बाहर। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक से आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करना भूलिएगा नहीं, और लाइक भी करिए इस वीडियो को। फैमिली व्लॉग्स काफ़ी सारे आ चुके हैं, होप आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। शायद एक दो वीडियोस और मैं बनाऊंगा, इनका टाइम हो चुका है जाने का इंडिया। चले रिशु, बाय कर दो। गुबैबा और जस्ट अभी मेट्रो से निकले हैं, और मेट्रो में पूरा एसी में 1 घंटा ट्रैवल करने के बाद ऐसा फील हो रहा है कि मतलब एसी में ही बेटर है। फिलहाल अभी हम धूप में आ चुके हैं, अलगुबैबा में हैं, और अभी हम जा रहे हैं। अभी हमारा सबसे पहला जो प्लान बना है वो है गोल्ड सूख जाने का। सो मैडम को कुछ गोल्ड चाहिए अपनी फैमिली की। हाँ रिशु, हाँ जीप। रिशु जब से आई ना तब से रोड में दिखा रही, पापा देखो कार, पापा देखो जीप, पापा देखो बस। अपनी नॉलेज शेयर कर रही मुझे। बोट में जाने का हर जगह का प्लान है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बोट है अलगुबैबा के सामने, और यहाँ से हम ट्रैवल करके एक ड्राम में सिर्फ यहाँ से उस तरफ को जाने वाले हैं। लेट्स गो। तो हमारा प्लान जो है इस वाले शिप में भी जाने का था। ये 80 ड्राम में आप ट्रैवल कर सकते हो, ये 2-4 डेस्टिनेशन पर ले जाता है और घुमाता है 2-3 घंटे के लिए। तो इसमें आप अपना लंच भी कर सकते हो, आराम से ट्रैवल कर सकते हो। तो इसमें हमारा प्लान था, फिलहाल तो वो प्लान कैंसिल हो चुका है और फिलहाल हमारा कुछ और प्लान है। तो ये ऑरेंज जूस की मशीन है, आप देख सकते हैं पूरी ऑरेंज जूस की मशीन लगा रखी है। अगर आप यहाँ पर 10 दिरहम डालते हैं, यहाँ पर अगर कॉइन डालते हैं, तो आपका यहाँ से जूस निकलेगा ऑटोमेटिक, फ्रेश जूस। देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आपको दिख रहा है ये ऑरेंज, और पूरा गिलास के साथ आपको ऑरेंज जूस यहाँ पर निकल जाएगा। अभी हम आ चुके हैं गोल्ड सूख, दुबई सिटी ऑफ गोल्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ से एंट्रेंस है, यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ से स्टार्टिंग है, और यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स वगैरह, यहाँ पर आप देख सकते हैं मालाबार,
और अलग अलग शॉप के यहाँ पे नाम हैं और काफ़ी सारी शॉप आप देख सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट है तो यहाँ से गोल्ड की शॉप स्टार्ट हो जाती है और काफ़ी लंबी लाइन है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा गोल्ड रखा हुआ। पता नहीं किस शॉप में हम जाने वाले हैं, फिलहाल तो एक राउंड लगाते हैं और चेक करते हैं कि कहाँ पर जाना चाहिए हमें। बहुत ज़्यादा गर्मी बाहर। सो ये जो नाम है गोल्ड सूक, ये बहुत ही पॉपुलर नाम है दुबई में और यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ पर ज़रूर विजिट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर गोल्ड बहुत ज़्यादा वैरायटी में मिल जाता है और बहुत सस्ते मिल जाता है। थोड़ा सा बैठे हैं फिलहाल, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। तो गोल्ड जू के अंदर हम आ चुके हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे दुकानें, मतलब 100 से भी ज़्यादा दुकानें गोल्ड की है। ये पूरा एरिया जो है गोल्ड से भरा हुआ है। हम गोल्ड लेने वाले हैं कि नहीं लेने वाले हैं ये भी अभी कंफर्म नहीं है, बट लेट्स सी, चेक करते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि गोल्ड जू जो है अल गुबैबा में आपको मिलेगा। अभी हम पहुँच चुके हैं अल गुबैबा में। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप क्या खाना बेटा, रिशु परेशान हो गए, व्लॉगिंग नहीं करने दे रही क्या। सो अभी जो है हम आ चुके हैं गोल्ड सूक में, जो कि है अल गुबैबा में। अगर आप रेड लाइन से आ रहे हैं तो वहाँ से आपको ग्रीन लाइन में चेंज करना पड़ेगा और आप पहुँच जाओगे अल गुबैबा। यहाँ पर आप बोट से भी आ सकते हो, जो कि आपने देखा थोड़ी देर पहले, या तो आप टैक्सी से भी आ सकते हो। अगर बोट से आओगे तो सिर्फ एक दिरहम लगेगा, टैक्सी से आओगे तो आपका थोड़ा बहुत पैसा लग जाएगा। रिकमेंड करूँगा कि आप बोट से आओ। सो फिलहाल अभी हम बैठे हैं और अब जाने वाले हैं शॉप के अंदर, थोड़ी सी गर्मी निकाल लेते हैं। और फ़ैन यहाँ पर, फ़ैन चारों तरफ फ़ैन लगे हुए हैं तो थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है। सो चलते हैं थोड़ी देर में गोल्ड की शॉप में और लेट्स सी कि क्या पसंद होता है। भाई ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए, बस एक ऐसी शॉप का मालिक होना है। शायद मेरी 100 पीढ़ियाँ भी इतना गोल्ड नहीं कमा पाएंगी मेरे ख्याल से, जितना मेरे सामने रखा हुआ। छोटा सा क्यों दिलाना यार, बड़ा दिलाएंगे, क्या दिक्कत है यार, पैसे की कमी है क्या, इसको तो पता भी नहीं हम कहाँ पर है। तो फाइनली हम आ चुके हैं गोल्ड की शॉप में। इस शॉप का नाम है जोया लुकस, ये जो है नंबर वन ब्रांड है दुबई में और पूरे यूएई में आप बोल सकते हैं, मालाबार, और ये जो है फर्स्ट सेकंड नंबर पे चलते हैं। फिलहाल रिशु यहाँ पे मस्त आ रही है, बेचारी थोड़ी सी परेशान हो चुकी है, अकेले अकेले खेल रही है, गर्मी इतनी हो रही है कि थोड़ी सी परेशानी हो रही है उसको, बट अपने में मस्त आने में लगी हुई है। तो तन्नू जो है यहाँ पर काफ़ी सारे मंगलसूत्र अपने लिए देख रही है। एक्चुअली में क्या हुआ कि मैंने उसे प्रॉमिस किया था अगर वो दुबई में जब आएगी यहाँ पे विजिट में तो मैं उसको एक मंगलसूत्र दिलाऊंगा, क्योंकि इसको मैंने जो है बर्थडे पे कुछ नहीं दिया था और उसके अलावा हमारा करवा चौथ हुआ था लास्ट ईयर, तो उस समय मैंने कुछ नहीं दिया था। तो तन्नू बोला था कि प्रॉमिस करो जब मैं वहाँ पर आऊँगी नेक्स्ट ईयर तो मुझे पक्का मंगलसूत्र दिलाना। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, आए हैं तो दिला लेते हैं। तो अभी जो है तनु को समझ नहीं आ रहा कि कौन सा चूज़ किया जाए, दो चार मंगलसूत्र उसने देखे हैं और चूज़ किया है उनमें से, बट समझ नहीं आ रहा उसको कि कौन सा लिया जाए। काफ़ी सारे यहाँ पे वैरायटी है, काफ़ी सारे गोल्ड के नेकलेस इसको दिख रहे हैं, बट लेट्स सी कि कौन सा ही लेती है। फिलहाल रिशु जो है अपने में मस्त आ रही, बेचारी अकेले अकेले खेलने में लगी हुई, अकेले अकेले इधर से उधर घूम रही है। अब देखो सैनिटाइजर, देखो सैनिटाइजर को हाथ में मलने पर लगी हुई और कुछ नहीं, खुश हो रही है बेचारी, अकेले में मस्त आ रही, अकेले में कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब पैसे देने का टाइम आ गया, कैसा लग रहा है तनु? कितने रुपए हैं जरा बता दो, जरा जो इंडिया से देख रहे हैं उनको पता चलेगा कितने का मैं गोल्ड दे रहा हूँ।
तो एक नेकलेस लिया जो कि मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। फिलहाल ये पैसे जो है मैडम को देने हैं सर को, सर कब से वेट कर रहे हैं। तो जो नेकलेस है वो हमने ले लिया है और थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ। फिलहाल मैडम जी की फीलिंग देखिए, चेक करिए फीलिंग, मेरे को समझ रहे ना बताओ। मैंने अपनी चेन भेज दी, बताओ इनके चक्कर में क्या क्या करना पड़ता पतियों को, बीवी को खुश करने के लिए क्या क्या करना पड़ता पतियों को। फिलहाल मैं कूपन भर रहा हूँ, 20 कूपन है और ये लकी ड्रॉ निकलेगा, तो यहाँ पर पूरा ऐड लगाया हुआ है इसमें। और फाइनली एक गिफ्ट ले लिया है मैडम के लिए, पूरे जेब खाली हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। हम कल आ गए थे देरा से और देरा में हमने काफ़ी सारी शॉपिंग करी। आपने जैसे कि थंबनेल में देख लिया होगा 2 लाख की क्या शॉपिंग करी मैंने, तो मैं आपको रिवील करता हूँ कि मैंने क्या शॉपिंग करी 2 लाख की। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि हम गोल्ड सोक में गए, वहाँ पे हमको बहुत सारी दुकानें दिखी, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी शॉप थी वहाँ पे गोल्ड की, इतने सारे गोल्ड थे। मैं वहाँ पे लास्ट टाइम आई थिंक 7-8 साल पहले गया था। लास्ट टाइम मैं वहाँ पर तनु के साथ ही गया था, जैसे कि आपने फोटो में देख लिया होगा, तो तनु के साथ गया था वहाँ पे। हम सिर्फ घूमे थे उस समय, हमने कुछ लिया नहीं था, सिर्फ घूमने गए थे। गोल्ड सुख काफ़ी नाम है उसका, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गोल्ड मिलता है, तो तनु ने बोला था कि वहाँ घुमाओ। तो लास्ट टाइम हम गए थे, घूम के आए थे, बट कुछ लिया नहीं था। बट अब की बार मैंने बहुत ही बड़ी शॉपिंग कर दी है और आई थिंक सबसे महंगी शॉपिंग मैंने अभी तक की करी है। सो सबसे पहले तो बता दूं कि मैडम जी की प्लानिंग थी, प्रॉमिस किया था इनको, तो बर्थडे था मार्च में और हमारी एनिवर्सरी थी अप्रैल में, तो इन मैडम ने बोला था कि मुझे गिफ्ट चाहिए, गिफ्ट चाहिए। मैंने लिया है मंगलसूत्र, वो भी 2 लाख का। तो पहली बार मैंने इतना हैवी गोल्ड लिया है 10 साल के कैरियर में। सो ये है नेकलेस जो कि मैंने इनके लिए लिया है और ये 4.5 तोले का है, तो ये कुछ इस तरह का गोल्ड मैंने लिया है इनके लिए और इनको ये पसंद आया। काफ़ी सारे मैंने वहाँ पे नेकलेस देखे थे बट उनमें से सबसे अच्छा जो है इनको ये लगा है। सो मैडम से पूछते हैं पहले तो इनको कैसा लग रहा है, क्योंकि इनको गिफ्ट दिया है मैंने और 2 लाख की शॉपिंग किसी के लिए करो तो फीलिंग कैसी आनी चाहिए आप समझ सकते हैं। सबसे पहले तुम इधर आ जाओ और बताओ कि कैसा लग रहा है और कैसा लगा। प्रॉमिस मैंने कंप्लीट कर लिया है, यहाँ आने से पहले मतलब 2 महीने पहले ही इनने प्रॉमिस किया था मुझसे कि भाई मुझे गिफ्ट चाहिए, गिफ्ट चाहिए, और गिफ्ट में भी मंगलसूत्र चाहिए, तो फाइनली वो मैंने इनको दिला दिया है। और इनका रिव्यू तो जरा ले ही लेते हैं इस वीडियो में। बहुत अच्छा है गिफ्ट, तो वैसे सबको अच्छा लगता है, हस्बैंड के हाथ से मिले तो बहुत ही अच्छा लगता है। 2 लाख का गिफ्ट है ना, अब 2 साल तक कुछ मत, नहीं 2 साल तक नहीं, करवा चौथ आ रहा है, अक्टूबर में करवा चौथ आ रहा है ना, फिर रेडी रहना। ओके, अक्टूबर बर्थडे भी था मार्च में और अप्रैल में हमारी एनिवर्सरी भी थी, तो सब कंबाइन करके जो मैडम ने जो है एक बार में मैंने काफी बड़ा गिफ्ट लिया। इससे पहले वाला जो इनका मंगलसूत्र है वो भी मैंने दिलाया, वो थोड़ा सा सस्ता है इससे बट वो भी मैंने दिलाया, बट गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, मानते कि नहीं मानते। बिल्कुल। आर यू हैप्पी या नो? बहुत ज्यादा हैप्पी। बस बस बस, तो फिलहाल तो ये वीडियो यहीं पे मैं फिनिश करता हूँ। होप आप लोग को पसंद आया होगा, जितना हो सका मुझे आज के ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया है। जा रहे हैं रिशु, जा रहे हैं रिशु की मस्ती तो आपने पूरे ब्लॉग्स में, पूरे फैमिली ब्लॉग्स में देख ली होगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए वीडियोस को और शेयर ज़रूर करिए औरों को, तो औरों को भी अच्छा लगेगा। सो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, अगर आपने इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माई चैनल देसी ब्लॉगर, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर जो कि है देसी ब्लॉगर। फेसबुक पर अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक सारे नीचे मिल जाएंगे। सी यू गाइज, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। वैसे हस्बैंड का छोटा गिफ्ट भी बहुत अच्छा होता है, जरूरी नहीं कि इतना बड़ा गिफ्ट चाहिए। देखो लड़कियों की बात में कभी मत आना, क्योंकि लड़कियों की जो मैंने कब मांगा आपसे कभी कुछ गिफ्ट मांगा है? लड़कियों की जो मैं कभी कोई गिफ्ट नहीं मांगा।